अगली खबर रीवा जिले के नईगढ़ी तहसील की ग्राम पंचायत हड़िया से है, जहां इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। दरअसल रन्नू देवी कोल नाम की महिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई है। महिला ने बताया कि विगत 8 वर्षों से बीपीएल सूची में नाम दर्ज करवाने, आवास योजना का लाभ लेने, मनरेगा के तहत पंचायत में काम करने और शौचालय निर्माण की प्रोत्साहन राशि के लिए ग्राम पंचायत के चक्कर काट रही है, जहां उसके किसी भी दलील की सुनवाई आज तक नहीं हुई है। वहीं महिला का कहना है कि ग्राम रोजगार सहायक शैलेन पांडे के द्वारा सरकार की जन कल्याणकारी योजना का लाभ दिलाने के बदले में अनुचित राशि की मांग की जाती है और इस कार्य में सचिव और सरपंच भी जीआरएस का पक्षपात करते हैं। बीपीएल सूची में नाम दर्ज करवाने के लिए जीआरएस शैलेन पांडे के द्वारा 3,000 रुपयों की मांग की गई, जिसकी शिकायत पीड़िता ने ग्राम सभा में 20 सितंबर 2022 को की, जिसमें ग्राम सभा में उसे आश्वासन दिया गया कि जल्द ही बीपीएल सूची में नाम दर्ज करवा दिया जाएगा। महिला का कहना है कि हमारे हड़िया ग्राम में बहुत से अमीर लोगों का आवास योजना के तहत मकान, शौचालय निर्माण की प्रोत्साहन राशि और मनरेगा योजना का लाभ भी दिया जा रहा है, परंतु मुझ गरीब को नहीं दिया गया। मेरा बीपीएल में नाम नहीं जुड़ रहा है, पैसा मांग रही हूँ। पैसा कौन मांग रहा है आपसे? शैलेन। कौन मांग रहा? शैलेन। शैलेन कौन है आपके ग्राम के? सेक्रेटरी। अच्छा, सहायक सेक्रेटरी हैं। कितना पैसा आपसे मांगा है शैलेंद्र ने? 3,000 रुपया। अच्छा, तो कहाँ से आए हैं आप? नईगढ़ी से आए हैं। अच्छा, तो क्या क्या समस्याएं हैं आपके साथ? समस्या यह है कि मेरा बीपीएल में राशन कार्ड बन रहा है, नाम जुड़ रहे हैं और मुझे लाभ कुछ मिल रहा है। अच्छा, न आवास मिल रहा है आपको, न शौचालय का आपको पैसा मिल रहा है और न ही आपका बीपीएल कार्ड में नाम जुड़ा है। तो क्या आपने सरपंच और सचिव से बात की इस संबंध में? सबसे मिल जाए तो सबसे मिल चुकी हैं। हाँ। अच्छा, तो क्या बोला है सबने? बोल रहे हैं कि बन जाए फिर ही बनाए हैं। कब से ये समस्याएं आपके साथ हैं? ये 8 साल हो गया, 8 तक। 8 से 10 साल हो गया। अच्छा, तो मतलब क्या बोलते हैं सहायक सचिव शैलेन्द्र पांडे की पैसा दो तो हम बनाएंगे बीपीएल। हाँ। कार्ड में नाम जोड़ेंगे। अच्छा, कितना पैसा मांगा है आपसे? 3,000 रुपया। 3,000 रुपया, चलिए ठीक है, धन्यवाद। नमस्कार रीवा, मैं हूँ भानु पंडित। और मैं हूँ अनीता भट्ट, और हमारे यहाँ आपके शहर रीवा 11 दिसंबर 2022 कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में एक सुरों की महफिल सजाने, जिसका नाम है उड़ान शाम गजल, एक शाम सूफी संगीत के नाम में अपनी प्रस्तुति देने के लिए। तो हम चाहते हैं कि आप सभी आए वहाँ पे इस संगीत में शाम का हिस्सा बनने के लिए। और हम दोनों स्पेशली थैंक्स बोलना चाहते हैं अभ्युदय उपकार फाउंडेशन की तरफ से अनामिका शुक्ला जी का, जिन्होंने हमें रीवा शहर आमंत्रित किया। तो सी यू ऑल दैट।